सामाजिक संस्था पीएस फाउंडेशन की ओर से अंधेरी पूर्व वार्ड 81 के गोविंदवाड़ी स्थित तुकाराम उमले मैदान में भव्य हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस हल्दी कुमकुम कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पीएस फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा और उनकी पत्नी स्वीकृति शर्मा का संस्था के यूथ विंग द्वारा पटाखे फोड़कर स्वागत किया गया। वहीं संस्था की महिला स्वयंसेवकों ने प्रदीप शर्मा के माथे पर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। सारी महिला पीएस में आके अपने आप को सेफ महसूस करती है। एक बार अगर पीएस में जुड़ जाती है तो उनकी जितनी भी तकलीफ है, चाहे छोटी बड़ी जो भी है, या किसी और को भी ले जाती है, तो वहाँ पीएस में उनका वो काम होता है और उनको वो सहायता मिलती है और वो सिक्योरिटी मिलती है। इसलिए महिला ज़्यादा से ज़्यादा पीएस से जुड़ने की कोशिश करती है। ज़रूर, बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम महिलाएं हमेशा घर के कामों में और बच्चों में या अपने पति में, इन सब कार्यों में ही बिजी रहते हैं, जो हमें खुद के लिए कभी समय नहीं मिल पाता। निमित्त मिला है हमारे सोसाइटी के महिलाओं के लिए कि हम एकत्र आए हल्दी कुक के समारंभ सादर करें। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रदीप शर्मा सर के लिए, जो उन्होंने ये हमें अपॉर्चुनिटी दिया है। हम सब इतने खूबसूरती से आज यहाँ पे मना रहे हैं हल्दी कुमकुम। मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। लेडीज़ का सुहागन का प्रोग्राम है ये एक्चुअली, और पीएस की तरफ से तो ये पहला प्रोग्राम है हमारे साइड से, हमारे एरिया में एक्चुअली। एक लेडीज़ की मतलब एकता होना चाहिए और एक मतलब मिल के, हाँ, एकजुड़ के मिल के रहे थे एक, और सभी लोगों का जो प्रोत्साहन है, जो क्राउड है, वो सब ठीक है फर्स्ट प्रोग्राम में ही। त्यासाठी आज आम्ही प्रदीप शर्मा सरांसाठी खूप धन्यवाद आहोत त्यांच्यासाठी, कारण मॅडम आणि सरांनी आपली किमती वेळ देऊन आमच्यासाठी गुड विशेष याच्यासाठी आम्ही हळदी कुंकू समारंभ ठेवतो। और उन्होंने हमको मतलब औरतों को एक साथ रहने का एक मौका दिया है, एक साथ मिलके प्रोग्राम अरेंज करने का मौका दिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा कुछ 7वां या 8वां हल्दी कुंकू है पीएस फाउंडेशन के तरफ से, और ऐसे ही हमारे और आगे भी चलते रहेंगे। तो ये जो गर्दी है वो सर के लिए, मैडम के लिए, उनके आशीर्वाद पाने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए जमा हुई है। हल्दी कुमकुम कार्यक्रम में पहुंचने के बाद प्रदीप शर्मा ने सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को पुष्पों की माला पहनाई और फिर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में प्रदीप शर्मा का शॉल और पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया। प्रदीप शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए यह बताया कि उनकी संस्था पीएस फाउंडेशन अंधेरीकरों की स्वास्थ्य समस्या को देखते हुए जल्द ही एक एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है। तो एरियाज ऐसे हैं जहाँ से लोग, उनको अपना दवाखाना है, जो भी हॉस्पिटल है, वहाँ जाने में बहुत ही टाइम लगता है, इमरजेंसी होती है, तो पीएस फाउंडेशन ने उसका सोल्यूशन निकाला है और एक एम्बुलेंस इक्विप्ड विद डॉक्टर्स, मेडिसिन एंड सिस्टर उनके दरवाजे पे आएगी और उनको वहाँ ट्रीटमेंट देगी। अगर ज़्यादा इमरजेंसी रही तो वही सेम एम्बुलेंस से उनको स्पेशलाइज हॉस्पिटल में, स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में शिफ्ट करेगी, ये योजना है। साथ ही प्रदीप शर्मा ने हल्दी कुमकुम में आई महिलाओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि संस्था का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, इसलिए पीएस फाउंडेशन की ओर से अंधेरी विधानसभा के सभी वार्डों में महिलाओं द्वारा ही हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण इसका मुख्य उद्देश्य है। अंधेरी में 10 वार्ड हैं, हम लोग तकरीबन सभी वार्ड में हल्दी कुमकुम कर चुके हैं। ये खुद महिलाएं ऑर्गेनाइज करती हैं और हमको बुलाती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। इस अवसर पर पीएस फाउंडेशन की महिला स्वावलंबन समिति की अध्यक्षा स्वीकृति शर्मा ने कहा कि पीएस फाउंडेशन परिवार को महिलाओं का भरपूर प्यार मिल रहा है और वे संस्था से जुड़ती जा रही हैं। जल्द ही लोगों की स्वास्थ्य समस्या को देखते हुए संस्था की ओर से एक एम्बुलेंस सेवा की भी शुरुआत की जाने वाली है। तो वो बहनों का प्यार है हमारे लिए, पीएस फाउंडेशन के लिए, कि वो साथ के साथ हमसे जुड़ती जा रही हैं, और जो हम पीएस फाउंडेशन जो उनकी ही सहायता से, जैसे मैंने पहले भी कहती हूँ कि एक टीम वर्क होता है। प्रदीप सर एक एम्बुलेंस का अनावरण करने वाले हैं कि जो एक एक स्पॉट पे जाएंगी और उनकी सबके, जो बोलते हैं ना, जो छोटी मोटी मेडिकल इश्यूज़ हैं वो सॉल्व करेंगी। तो वो भी जो है पीएस फाउंडेशन की तरफ से दिया जा रहा है। तो महिलाओं का जो एक हमारी तरफ जो एक समर्थन आ रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, प्यार मिल रहा है उनका, बहनों का। कार्यक्रम में प्रदीप शर्मा के साथ पहुंचे अजय चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष अजय तिवारी ने कहा, पिछले 6 महीनों से प्रदीप शर्मा और स्वीकृति शर्मा के मार्गदर्शन में अंधेरी विधानसभा में एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत महिलाओं को पीएस फाउंडेशन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय श्री प्रदीप शर्मा जी के मार्गदर्शन में, भाभी माँ के मार्गदर्शन में एक टीम गठित हुई है जो पिछले 6 महीने से लोगों के घर घर तक जा रही है, और उसका मकसद एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवार को जोड़ा जाए
और आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि 25 से 30,000 परिवार का टारगेट है, जिसमें 17-18 परिवार अभी तक कनेक्ट हो गए हैं। उसी मुहिम का एक हिस्सा है महिलाओं को जोड़ने का, और महिला जुड़ती है तो परिवार जुड़ जाता है। बस उसी टीम को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। संजय दुबे के साथ मैं विनोद यादव, सुर्खियां न्यूज़, मुंबई।